देख रहे नेशन न्यूज। औद्योगिक क्षेत्र बरूटीवाला के झारमाजरे स्थित एप्टाल उद्योग के प्रबंधकों व कामगारों में चल रहा विवाद अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया है। उद्योग प्रबंधकों व श्रम विभाग की ओर से 5वें दिन भी कोई फैसला न आने के कारण अब कामगार भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठने वाले कामगारों में रीता देवी, मोनिका देवी, मंजुलता, राकेश, हनीफ खान व अन्य कर्मचारियों ने कहा है कि भूख हड़ताल के बाद भी अगर श्रम विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो भूख हड़ताल आमरण अनशन में बदल दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि उद्योग मंत्री के गत दिनों हुए बीबीएन दौरे के दौरान सभी कामगार उनको मिले थे और उनको अपनी समस्या से अवगत भी करवाया था, जिस पर उन्हें श्रम अधिकारियों को जल्द फैसला करवाने के निर्देश दिए थे, मगर लेबर ऑफिसर के पास अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलने का समय ही नहीं। नीचे उनको भी बोला था कि 2 दिन के अंदर अंदर इनको कंपनी के आप अंदर करवाओ और इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच करवाओ, लेकिन उसके भी किसी को भी कोई असर नहीं हो रहा है। हम आज भी उसी पोजीशन में, आज पानी, भूख, प्यास, यहाँ कितनी परेशानियाँ हो रही लेडीज़ के लिए। यहाँ ना तो कोई टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना पीने के लिए पानी है, ना कोई सुविधा है, कितनी परेशानियों का। लेकिन एक मंत्री जी के बोलने के बावजूद भी प्रशासन वालों को, श्रम अधिकारी को, मैनेजमेंट को कोई असर नहीं हो रहा है सर। इसको लेके हम आज बहुत ही परेशान है। पता नहीं सर आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर अगर हमारे किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार हमारे लेबर इंस्पेक्टर होंगे, या हमारा प्रशासन होगा, या हमारा कानून व्यवस्था होगी। धन्यवाद। मैं राजू भारद्वाज, सचिव भारतीय मजदूर संघ। 26 तारीख से इन लोगों के साथ धक्काशाही हुई। 26 तारीख को इनको गेट से बाहर कर दिया और जब हम लेबर ऑफिस में गए, लेबर ऑफिस ने शिकायत पत्र दिया तो इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मंत्री साहब का दौरा भी था, यहाँ मंत्री साहब से भी मिलते गए, उसके बावजूद भी श्रम विभाग, ना श्रम विभाग कुछ कर रही है, ना पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब मिले हुए हैं और श्रम लेबर ऑफिसर साहब बाहर नहीं निकल सकते, इसी से बाहर नहीं निकल रहे। मजबूरन मजदूरों को यहाँ गेट पर भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा। अगर अभी भी फैसला नहीं हुआ तो आगे अमरण अनशन भी करने। भारतीय मजदूर संघ हमेशा वर्करों के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।